झारखंड विधानसभा में पुलिस या दमन के खिलाफ आवाज उठी और पुलिस हिरासत में हुई मौतों पर जांच आयोग बनाने की मांग भी की गई है। इस बाबत 15 मार्च को दी प्रिंट ने पुलिस हिरासत में हुई मौतों पर खबर छापी थी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 से 22 तक कुल 33 लोगों के साथ पुलिस ने ज्यादती की है। इसमें 10 लोगों की मौत, 23 लोगों के साथ मारपीट हुई है। इसमें 8 मामले साल 2022 के ही हैं। पुलिस की ज्यादती में शिकार हुए लोगों में 23 आदिवासी और 4 मुस्लिम शामिल हैं, बाकी दलित और मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। झारखंड के पूर्व मंत्री और चंदन कियारी से बीजेपी विधायक अमर कुमार बाउरी ने सदन में कहा कि आज ये कहा जाता है कि आदिवासी दलित जिनके लिए सरकार बनी है उस सरकार में पुलिस की ज्यादती काफी बढ़ गई है। आज आदिवासी दलित इनके लिए जो सरकार बनी है, ये जो कहने वाले सरकार है, महोदय मैं बताना चाहता हूँ, ये द प्रिंट एक अखबार है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला है और 2 साल के अंदर में महोदय 33 ऐसे घटनाएं हुई है जो पुलिस अभिरक्षा में हुई, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई है और 22 लोग है जो आदिवासी है, दलित है, बाकी लोग है। आप समझ सकते हैं कि पुलिस के जो अनकंट्रोल्ड पुलिस है उसके साथ आज लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से डिटेरियोरेशन हो गया है। भूकल घासी की मौत हो, चाहे फिर महादलित तूरी परिवार चिरूडी जामताड़ा का घटना हो, चाहे देवूतेरा तूरी के पुलिस अभिरक्षा में हत्या हो, चाहे संजू प्रधान की मॉब लिंचिंग में हत्या हो, चाहे रुपेश पांडे जी की हत्या हो, मैं बताना चाहता हूँ, चाहे रामगढ़ के दलित युवती के साथ रेप की घटना हो, चाहे पेटरवार के अंदर दलित युवती के साथ रेप की घटना हो, पूरे झारखंड प्रदेश में दलित आदिवासी महिलाओं के साथ जो राज्य सरकार में जो घटनाएं हो रही है वो बहुत ही संसार करने वाली है। माले विधायक विनोद सिंह ने भी विधानसभा में इस पर आवाज उठाई। लेकिन हम लोगों ने देखा कि राज्य के बाद जो सत्ता आई, सत्ता जिनके हाथों में आ रही, उन्होंने कहा कि हम ये झारखंड को लाए हैं वो एक आदर्श पुलिस राज्य में तब्दील करेंगे। और आपका खामियाजा देखा कि जो झारखंड राज्य की लड़ाई चल रही थी वो जंगल जमीन अधिकार विस्थापन, वो तपकारा से लेकर के बोकारो से लेकर के वो तोरंडा से लेकर के वो गोड्डा से लेकर के बड़का गांव तक जारी रहा, वो खून की होली खेली गई अध्यक्ष महोदय, और वो लोगों की जनसंहार और नरसंहार ही होता रहा अध्यक्ष महोदय। अभी चर्चा हो रही थी तो बिल्कुल सरकार कह रही थी कि भाई उनके आंकड़े हमारे तुलना में, हम उनके आंकड़े से तुलना कर भी नहीं सकते हैं, वो इसी राज्य के लिए इसलिए, लेकिन संयोग से अभी राज्य में एक ऐसी सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिसने इस राज्य में सबसे ज्यादा जमन झेला है, जिसने सबसे ज्यादा उत्पीड़न झेला है, सबसे ज्यादा लोग शहीद हुए हैं, सबसे ज्यादा लोग लाठियां खाए हैं, गोलियां खाए हैं, इसलिए आपसे लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती है। इसलिए महज आंकड़ा का मतलब नहीं है अध्यक्ष महोदय, संख्या का मतलब नहीं है, मतलब है उस संख्या और घटनाओं को गंभीरता से लेने का। और इसीलिए जेएमएम विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा, अमर बाउरी दी प्रिंट की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं जिसमें झारखंड में हुई विभिन्न दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटनाओं का जिक्र किया गया है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि बीजेपी शासन काल में भी हुई हैं ऐसी घटनाएं। तीनों विधायकों ने दी प्रिंट की रिपोर्ट का हवाला दिया है।